ईरान ने एक जंग की शुरुआत कर दी है इसराइल के खिलाफ, जिसे दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 का भी नाम दे रही है। दरअसल ईरान ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया। ईरान ने ये साबित कर दिया कि हमास, हिजबुल्लाह और हुती के बाद वह खुद भी इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। नेतन्याहू को यह पता है कि इस वक्त ईरान के हमला करने के बाद ईरान की जो इमेज बनी है वह मिडिल ईस्ट में क्या बनी है। ईरान मिडिल ईस्ट में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया है। इसी वजह से अब इसराइल को बदला लेना ही पड़ेगा। नेतन्याहू जानते हैं, अगर इसराइल बदला नहीं लेगा तो उन्हें गद्दी से उतरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में इजरायली जनता उनसे नाराज हो सकती है। इसीलिए नेतन्याहू और इसराइल की पूरी वॉर कैबिनेट इस युद्ध को और अधिक आगे बढ़ाएगी, और जैसे ही युद्ध आगे बढ़ेगा तो ये एक का बदला, दूसरा दूसरे का बदला, तीसरा, ये चलता रहेगा। यानी इसराइल ईरान पर अटैक करेगा, फिर ईरान की बदले की कार्रवाई होगी और यह जंग इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी।